नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे तकरीबन 10 शहरों के 30 लाख से अधिक लोगों के लिए लाइफलाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो, जिसके किराए को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मोदी सरकार जल्द ही दिल्ली मेट्रो ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। दिल्ली मेट्रो के किराए को लेकर केंद्र सरकार की प्लानिंग है कि मेट्रो ट्रेन के सफर में स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन को किराए में राहत दी जाए। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सीनियर सिटीजन्स और स्टूडेंट्स को दिल्ली मेट्रो के किराए में छूट पर सफर करने की घोषणा जल्द ही की जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने कहा कि सरकार मेट्रो ट्रेन में मुफ्त यात्रा की सर्विस देने के बजाय जरूरतमंद मुसाफिरों को ही किराए में छूट देने पर विचार कर रही है। इसके लिए ऐसा तकनीक आधारित उपाय तय किया गया है जिससे यात्रियों को किराए में फायदा तो मिले ही, साथ ही साथ मेट्रो सर्विस की क्वालिटी पर भी कोई असर न पड़े। उन्होंने बताया कि इस छूट के लिए उन्होंने जीएमआरसी के साथ बातचीत की और उन्हें इसका तकनीक के आधार पर समाधान निकालने को कहा था। वैसे आपको याद दिला दें कि इससे पहले जून में दिल्ली सरकार ने भी मेट्रो ट्रेन में सफर करने वाले 33% महिलाओं और छात्रों को मुफ्त में सफर करने की सहूलियत देने का ऐलान किया था। सब्सिडी दी जा रही है, हम इसमें प्रावधान इस तरह से रखेंगे कि किसी के भी ऊपर सब्सिडी थोपी नहीं जाएगी। कई सारी महिलाएं अफोर्ड कर सकती हैं, जो अफोर्ड कर सकती हैं वो अपना टिकट खरीद के सब्सिडी उनको लेने की जरूरत नहीं है। बस में भी टिकट खरीद सकती हैं, मेट्रो पे भी टिकट खरीद सकती हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा उनको इनकरेज करेंगे जो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब्सिडी का इस्तेमाल ना करें, ताकि और दूसरे लोगों को इसका फायदा मिल सके। ऑफिसर्स को मैंने एक हफ्ते का टाइम दिया है, एक हफ्ते के अंदर वो डिटेल्ड प्रपोजल बना के लाएंगे, दोनों डीटीसी भी और मेट्रो भी, कि इसको कैसे लागू किया जा सकेगा और कब से लागू किया जा सकेगा। हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर इसको लागू किया जा सके, लेकिन आज हम जनता से उनके सुझाव भी मांगना चाहते हैं कि इसको लागू कैसे किया जाए, इसके ऊपर जनता के सुझाव चाहते हैं। एक ईमेल आईडी अभी मैं दे रहा हूँ, delhiwomensafety@gmail.com, और एक एड्रेस है चेयरमैन डीडीसी 33 शामनाथ मार्ग दिल्ली 54। तो या तो चिट्ठी लिख के या ईमेल के जरिए आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे ये दो बड़े कदम आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए हैं। अगर आपके कोई delhiwomensafety@gmail.com, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को किसी भी तरह की सुविधा देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन केंद्र का मानना है कि कोई भी सहूलियत जरूरत के आधार पर दी जानी चाहिए। सीनियर सिटीजन्स और स्टूडेंट्स को किराए में छूट देने की योजना में महिलाएं खुद ही शामिल हो जाएंगी। हालांकि अभी तक मेट्रो ट्रेन के किराए में कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जाती है। वैसे आपको बता दें कि जीएमआरसी में केंद्र और दिल्ली सरकार का 50-50% की साझेदारी का वेंचर होता है, और वही बात मेट्रो ट्रेन के किराए की करें तो इसका फेयर फिक्सेशन कमेटी ही तय करती है।